everyone, welcome back to World of Commerce classes. My name is Yashika Oberoi and I will be teaching you class 11th accountancy. So the chapter which we are doing is journal, and journal mein hum aa gaye hain aaj question number 22 pe. Bas hum bilkul pass mein hain chapter completion ke. So without wasting even a single second, we shall carry forward this lecture to our question. And the book I am referring here is T.S. Grewal. ठीक है, T.S. Grewal के question number 22 पे आ जाओ बच्चों. T.S. Grewal के question number 22 पे आ जाओ. Journalize the following transaction in the books of Messrs. R.K. and Company वाले question पे. Might be possible अगर आपकी book थोड़ी सी old है, तो फिर हो सकता है कि आपका question थोड़ा एक आध question आगे पीछे हो. ठीक है? चलिए, पहला ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 20,000 फ्रॉम विशाल. विशाल से हमने 20,000 के गुड्स खरीदे, 20,000 का लिस्ट प्राइस था, एट 20% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट. इनका इन सारी चीजों का क्या मतलब है बेटा? गुड्स खरीदे हैं, इतना तो क्लियर हुआ होगा. तो मैम परचेजेस को तो डेबिट करना ही करना है, ठीक. लेकिन परचेज को डेबिट करने के लिए लिस्ट प्राइस ले लूं या लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके लूं? ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके लूंगी. अब मैंने ये परचेजेस की पेमेंट कैसे करी है? चेक के थ्रू पेमेंट करी है, मतलब बैंक से पेमेंट करी है. आप सीधा ना विशाल देख के कहीं विशाल को नहीं पकड़ लेना, पहले ढूंढना कैश. कैश ना हो तो ढूंढना बैंक या चेक, वो ना हो तो फिर इंसान का नाम लिखना होता है, ठीक है. तो आपने परचेजेस करी या बैंक के थ्रू करी, और अमाउंट कितनी आएगी इसमें? अमाउंट देखो बच्चों, यहाँ लिखा है कि लिस्ट प्राइस था 20,000 और उस पर ट्रेड डिस्काउंट लगेगा कितने का? 10% का ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 20% का. 20% कैसे निकालते हैं? पहले 20,000 का 10% एक जीरो हटा दो, 2,000 हो गया. अब ये 2,000 10% है, तो 20% डबल करना है, 4,000 हो गया अमाउंट. 4,000 रुपए का हमारा ट्रेड डिस्काउंट था, तो हमारा 16,000 का आया क्या? ट्रांजैक्शन प्राइस. अब यहाँ ट्रांजैक्शन सेल की है ना, परचेज की है, तो हमारा परचेज आ गया 16,000. बेटा एक चीज याद रखना, ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसलिए हमने जर्नल में कहीं भी डिस्काउंट का नाम नहीं आया है. जहां डिस्काउंट आता है, डिस्काउंट अलाउड या फिर डिस्काउंट रिसीव्ड, वो हमारा कैश डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं होता. मैं यहाँ पे आपको ये चीज मेंशन भी कर देती हूँ, नेवर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है. चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आते हैं. ट्रांजैक्शन नंबर 2, परचेज गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 20,000 फ्रॉम नमन. 20,000 के गुड्स नमन से खरीदे हैं एट 15% ट्रेड डिस्काउंट, या 15% का ट्रेड डिस्काउंट है अगेंस्ट कैश, मतलब कैश में गुड्स खरीदे हैं. सबसे पहले क्या ढूंढो? कैश ढूंढो. कैश ना हो तो बैंक एंड चेक ढूंढो, वो भी ना हो तो इंसान का नाम लिखो. तो यहाँ तो मैम हमारे पास है, तो हम सिंपली रिकॉर्ड करेंगे, परचेजेस को डेबिट करेंगे एंड कैश को क्रेडिट कर देंगे. लेकिन अमाउंट क्या आएगी, बस वही सोचने वाली बात है. तो उसके लिए भी कोई बात नहीं, हम यहाँ वर्किंग नोट बना लेते हैं अमाउंट का. ये आ गई आपकी लिस्ट प्राइस, क्या है? लिस्ट प्राइस है 20,000, ट्रेड डिस्काउंट कितना है? माइनस ट्रेड डिस्काउंट है एट द रेट 15%, ठीक है. 3,000 आएगा ना पूरा, 20,000 इंटू 15% का, ठीक है. 3,000 माइनस करा, आपका ट्रांजैक्शन प्राइस आ गया 17,000 का. ये ट्रांजैक्शन प्राइस ही होता है लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके, जिसपे आप रिकॉर्ड करोगे किसी भी स्पेसिफिक जर्नल एंट्री को. तो यहाँ हम रिकॉर्ड करेंगे 17,000 पे अपनी जर्नल एंट्री को, ठीक. आई होप आई एम क्लियर विद दिस. नेक्स्ट पे आए, ट्रांजैक्शन नंबर 3 पे आ जाओ. परचेज गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 30,000 फ्रॉम अमृत. अमृत से 30,000 के गुड्स खरीदे, 20% का डिस्काउंट है. बच्चे मैंने दो ट्रांजैक्शन करा दी, आई होप यू कैन डू इट योरसेल्फ. प्लीज आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन इफ यू आर वॉचिंग द वीडियो टिल हियर, ठीक. आगे बढ़ते हैं. फोर्थ वाला, परचेज गुड्स फ्रॉम हरी एंड कंपनी ऑफ द लिस्ट प्राइस 40,000 फॉर 35,000 अगेंस्ट कैश. ये क्या बोलना चाह रहे हैं? परचेज करा है गुड्स
हरी एंड कंपनी से परचेज कराएं, सबसे पहले इंसान को नहीं देखना, पहले कैश ढूंढना, कैश है तो मैम एंट्री तो बन जाएगी हमारी बहुत इजीली कि परचेज हुई है डेबिट एंड कैश गया है हमारा, ठीक। अमाउंट क्या लिखें, अमृत से गुड्स खरीदे, नहीं हरी से गुड्स खरीदे, हरी एंड कंपनी से लिस्ट प्राइस 40,000 था, हमने खरीदा 35,000 पे, तो ये जो लिस्ट प्राइस पे लगने वाला डिस्काउंट है, ये जो 5,000 का डिस्काउंट मिला है, दैट इज अ ट्रेड डिस्काउंट, आपको मेंशन जब तक नहीं है आप उसे ट्रेड डिस्काउंट ही मानिएगा, और ये लिस्ट प्राइस मेंशन करा है ना, इसलिए भी थोड़ा अंदाजा लग जाता है कि ये ट्रेड डिस्काउंट ही है। तो आप कौन सी फिगर पे रिकॉर्ड करोगे, परचेजेस 40,000 पे या ट्रेड डिस्काउंट लगने के बाद 35,000 पे? ऑब्वियसली 35,000 पे रिकॉर्ड करोगे, तो आप 35,000 से इसे रिकॉर्ड कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पे आए, ये हमारा फिफ्थ वाला नहीं था क्या, ये फोर्थ था, ठीक है, ओके ओके, गलती से लिख दिया, आप फिफ्थ करते हैं। फिफ्थ में लिखा है बेटा गुड्स परचेज करें अमृत से, ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 रिटर्न कर दिए, अभी ऊपर गुड्स खरीदे थे अमृत से, हाँ ये जो डी आई वाई वाला ट्रांजैक्शन मैंने आपको बोला था ना करने को, वहां पे हमने गुड्स खरीदे थे अमृत से, अब हम वो रिटर्न कर रहे हैं, मतलब कि खरीदे हुए गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, तो ये परचेज रिटर्न का केस है। आर गुड्स आर गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो आर गुड्स आर गोइंग आउट, तो हम क्रेडिट कर देंगे परचेज रिटर्न को, ठीक। और किसे गुड्स वापस कर रहे हैं, हम गुड्स वापस कर रहे हैं अमृत को, तो अमृत को कर देंगे हम डेबिट, बिकॉज डेबिट द रिसीव। अब मुझे बताओ कितने के गुड्स रिटर्न वापस करें, 10,000 लिख दूं, 10,000 के गुड्स, नहीं, इट विल बी रॉन्ग। आप ध्यान रखिए जो ऊपर आपने गुड्स बेचे हैं उस पर ट्रेड डिस्काउंट लगाए 20% का, तो जब वापस आए होंगे गुड्स उनका भी तो ट्रेड डिस्काउंट होगा ना, 10,000 तो उनका लिस्ट प्राइस बताया इन्होंने कि लिस्ट प्राइस 10,000 है, तो इस पे भाई ट्रेड डिस्काउंट भी तो लगा होगा आपका 20% का, 20% ही था अमृत वाले केस में, हाँ जी, 10,000 का 20%, 10% निकालो कितना हुआ 1,000, 1,000 का डबल कर दो 2,000, 8,000 के गुड्स हुए हमारे, 8K, 8K, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ बच्चे, सिक्स्थ पे आ जाओ, सोल्ड गुड्स टू पारुल ऑफ लिस्ट प्राइस 40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट। मैंने पारुल को गुड्स बेचे, सेल हुई है तो टू सेल्स लिख देते हैं, और पारुल को बेचे और पारुल का नाम लिखूं या कैश ढूंढूं, कैश ढूंढती हूँ, कैश तो दे नहीं रखा लेकिन बैंक एंड चेक में से चेक जरूर दे रखा है, तो मतलब इसके पैसे बैंक अकाउंट में आए हैं, तो डेबिट क्या होगा, बैंक होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड सेल्स क्रेडिट हुआ, बिकॉज क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। अब कितने पे रिकॉर्ड करूं इसे, लिस्ट प्राइस क्या है हमारे गुड्स की, लिस्ट प्राइस इज 40,000, 40,000 पे हमें ट्रेड डिस्काउंट लगाना है, वो भी कितना, 10% का ट्रेड डिस्काउंट, 40,000 का 10% है 4,000, तो हमारी गुड्स बिके हैं 36,000 पे, 36,000 से आप इसे रिकॉर्ड कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़े, ट्रांजैक्शन नंबर 7 देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखेंगे ट्रांजैक्शन नंबर 7, बोल रहे हैं सोल्ड गुड्स टू अमन ऑफ द लिस्ट प्राइस 30,000, 30,000 के गुड्स बेचे हैं अमन को, उस पे भी 10% का ट्रेड डिस्काउंट लगाए और ये कैश में बेचे हैं, बिल्कुल पहले वाली ट्रांजैक्शन की तरह ही है ये भी, बस वहां चेक था या कैश है, सो दिस विल बी डी आई वाई फॉर यू, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ, सोल्ड गुड्स टू पवन ऑफ द लिस्ट प्राइस 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब इस बार सेल हुई है, पवन को सेल हुई है, बेटा कैश दे रखा है नहीं दे रखा, चेक दे रखा है नहीं दे रखा, बैंक दे रखा है नहीं दे रखा, तो ऑब्वियसली वी आर ओब्लाइज्ड कि हमें पवन ही उठाना पड़ेगा, तो सोल्ड गुड्स टू पवन की एंट्री क्या बनेगी मुझे इतना बताना, ये एट्थ वाला आ गया हमारा, सेल करी तो क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन सेल्स हो गया, पवन को करी, पवन हमारा रिसीवर हो गया, पवन को कर दो डेबिट, ठीक। कितने अमाउंट से करना है, लिस्ट प्राइस है 20,000, उस पर आप लगा दो 10% का ट्रेड डिस्काउंट, इसका 10% हो गया 2,000, मतलब कि 18,000 पे हमें इसकी एंट्री बनानी है, 18K, 18K, आई होप आई एम क्लियर, ठीक। नेक्स्ट पे आओ, नाइन्थ वाले पे, सोल्ड गुड्स टू यामिनी, यामिनी को गुड्स बेचे हैं, वो भी 25,000 के गुड्स 23,000 में बेचे, 25,000 वॉज द लिस्ट प्राइस एंड वो 23 पे बेचे, मतलब ट्रेड डिस्काउंट का इन्वॉल्वमेंट है, वो डिस्काउंट मैं लिखूंगी नहीं लेकिन मैं ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगी अपनी 23,000 पे। चलो ये तो पता चल गया कि ट्रांजैक्शन को 23,000 पे रिकॉर्ड करना है, लेकिन बेटा क्या बना, सेल हुए ना गुड्स, तो मैम टू सेल्स तो होगा ही होगा, चलो ये भी पता चल गया, लेकिन डेबिट किसे करूँ, देखना जरा ट्रांजैक्शन में कैश इज गिवन, नो कैश इज नॉट गिवन,
क्या आपको बैंक गिवन है? नहीं. चेक गिवन है? नहीं. तो आपको मजबूरन यामिनी को ही उठाना पड़ेगा, उसका नाम ही लिखना पड़ेगा, यामिनी हो गई डेबिट. क्या रीजन है यामिनी को डेबिट करने का? बिकॉज शी इज द रिसीवर ऑफ गुड्स, सो डेबिट द रिसीवर हुआ है. ठीक, लास्ट ट्रांजैक्शन पे आ जाओ, इस क्वेश्चन का भोग डालें. सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000, 10,000 के गुड्स हैं, कॉस्ट है ये, सेल प्राइस नहीं है. एट कॉस्ट प्लस 20%, मतलब हमें इस पे प्रॉफिट ऐड करना है 20% का. पहले मैं लूंगी कॉस्ट गुड्स की, उसमें 20% प्रॉफिट ऐड करूंगी एंड देन लेस कर दूंगी ट्रेड डिस्काउंट को. ठीक है, तो यहाँ देखो 10th वाले पॉइंट में आपका आया कैलकुलेशन. कॉस्ट थी हमारी कितनी? कॉस्ट है हमारी 10,000 की. ठीक, 10,000 पे प्रॉफिट ऐड हुआ हमारा 20% प्रॉफिट. कितना? 20% प्रॉफिट. 20% कितना हुआ बेटा 10,000 का? 2,000 रुपीज. टोटल इस सेल प्राइस आ गई 12,000 रुपये. अब सेल प्राइस आने के बाद आप इस पे लगाओगे ट्रेड डिस्काउंट और फिर ट्रांजैक्शन प्राइस आएगा जिस पे आप सेल रिकॉर्ड कर सकते हो. सो ट्रेड डिस्काउंट इज 10%. 10% का ट्रेड डिस्काउंट आया. 12,000 का 10% इज 1,200 रुपये. ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिखना, तो हमारा ये आया 12,000 में से 12 माइनस कर दो, सेल प्राइस जो आपकी प्रॉफिट, आपने कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करा, सेल प्राइस आई. सेल प्राइस में से बेटा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे 10% का, तो आपका आ जाएगा वो अमाउंट जिसपे आपको रिकॉर्ड करना है 10,800 रुपये. ट्रांजैक्शन प्राइस आ गई आपकी 10,800 पे सेल रिकॉर्ड करनी है. किसे हुई है ये सेल्स? ये सेल हुई है मैम भूपेश को. ठीक है, भूपेश को करो डेबिट. कहीं कैश तो नहीं लिखा बच्चे? सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग इतना, कॉस्ट प्लस इतना. ठीक है ठीक है, कैश भी नहीं है, बैंक भी नहीं है, चेक भी नहीं है, तो नाम ही लेना पड़ेगा. नाम ले लिया जी. 10,800, 10,800, 10,800. ठीक है, वी आर गुड टू गो. कितनी देर में कर लिया हमने ये क्वेश्चन? विद इन 12 मिनट्स. अच्छा क्वेश्चन था. बार बार अगर ये ना आप लिख सकते हो वहाँ पे हर क्वेश्चन के हिंट के लिए, इस क्वेश्चन पे लिख लो आप कि गुड फॉर द रिविजन ऑफ टैक्स, रिविजन ऑफ डिस्काउंट कॉन्सेप्ट, गुड फॉर द रिविजन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट कॉन्सेप्ट. बेसिकली ये पूरे सारा पूरा इलस्ट्रेशन में हर एक जितना भी ट्रांजेक्शन है हमारी इस क्वेश्चन में, वो सब ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड थे. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे फॉरवर्ड होते हैं जी. 23 क्वेश्चन पे आते हैं. चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर क्वेश्चन नंबर 23. क्या कह रहे हैं ये? जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ भूषण एजेंसीज. ठीक है जी, पहला ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड कैश फ्रॉम भरत 20,000, अलाउड हिम डिस्काउंट 500. सबसे पहले आप ना क्वेश्चन के ऊपर लिख लो गुड फॉर कॉन्सेप्ट रिविजन ऑफ कैश डिस्काउंट, क्योंकि इसमें आपका कैश डिस्काउंट बहुत थरली रिवाइज हो जाएगा. इन्होंने बोला भरत से 20,000 रुपए मिले और हमने डिस्काउंट अलाउ करा है 500 रुपए का. ठीक है जी, फर्स्ट ट्रांजैक्शन कैश मिला है, कैश को करिए डेबिट. कितने से? 20,000 से. हमने डिस्काउंट अलाउ करा, डिस्काउंट अलाउड हमारा लॉस होता है, उसे भी करिए डेबिट. डिस्काउंट अलाउड 500. ठीक है, अब क्या आएगा? भरत से ये दोनों चीजें प्राप्त हुई, तो भरत हमारा गिवर है, भरत को क्रेडिट कर दो इन दोनों के टोटल से 20,500 से. ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ. रिसीव्ड फ्रॉम विकास 35,000 बाय चेक. चेक मिल गया जी, चेक को अंडरलाइन कर लीजिए. चेक से मिला है हमें. अच्छा एक चीज, एक चीज, ये ऊपर क्या हमें कैश रिसीव हुई? ठीक है ठीक है, चेक मिला हमें विकास से और हमने डिस्काउंट अलाउ करा है 750 का. तो अगेन बेटा हमें चेक मिला, मतलब कि बैंक में पैसे गए. डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक को डेबिट कर लो. कितने अमाउंट से? 35,000 से. अलाउड हिम डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउ करा, डिस्काउंट अलाउड को कर लो डेबिट. कितने से? 750 से. ठीक है, एंड क्रेडिट किसे करना है? ये हमें बैंक में पैसे किसने दिए? हमें बैंक में पैसे दिए हैं विकास ने, तो विकास को करा क्रेडिट. कितनी अमाउंट से? इसके टोटल से 35,750 से. ठीक है, आई होप दो ट्रांजैक्शन से क्लियर हुआ होगा इसका कॉन्सेप्ट, कैसे करना है कैसे नहीं. द रीजन फॉर कैश एंड बैंक को डेबिट करना इज डेबिट द रिसीवर, डेबिट व्हाट कम्स इन. ठीक है, एंड डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करने का रीजन है डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस.
विकास इन भरत को क्रेडिट करने का रीजन है बिकॉज दे आर द गिवर्स, सो क्रेडिट द गिवर. ठीक, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आते हैं, ट्रांजैक्शन नंबर थर्ड. लिखा है रिसीव्ड कैश फ्रॉम अखिल, अखिल से कैश रिसीव करी, तो मैम कैश को सबसे पहले डेबिट कर दीजिए. ठीक है जी, कैश को डेबिट कर दिया, 38,000 रिसीव करें. इन सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज ऑफ 40,000, 40,000 के ड्यूज के, मतलब कि 40,000 के बदले हमें 38,000 मिले, हमें 40,000 के बदले 38,000 मिले, मतलब 2,000 का डिस्काउंट दिया हमने. डिस्काउंट देना हमारे लिए लॉस था, तो हम डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं डेबिट. ठीक, किसने दी बेटा हमें ये कैश, हमें ये कैश दी है अखिल ने, तो अखिल को कर दो क्रेडिट पूरे 40,000 से. उससे मिलने थे 40,000, मिले 38,000, 2,000 का डिस्काउंट हो गया. ठीक है, कैश डिस्काउंट है ये सारी ट्रांजैक्शंस में. ट्रांजैक्शन नंबर फोर पे आओ, पेड कैश 39,200, कैश पे करा है मैम, तो ये पहला ट्रांजैक्शन है जिसमें टू कैश होगा. हाँ जी, 39,200 टू सुरेश, सुरेश को पे करा है मैम, तो सुरेश तो रिसीवर है, सुरेश को डेबिट कर दीजिए. इन सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज, अच्छा उसकी पूरी ड्यूज सेटल हो गई है, अवेल्ड डिस्काउंट 2%, इसमें 2% का डिस्काउंट भी है. जब कैश दे रहे हो तब डिस्काउंट रिसीव करते हो ना, डिस्काउंट रिसीव करा 2% का. बेटा 2% कहीं इसका मत निकाल लेना, 2% बहुत गलत हो जाएगा. आपको 2% जो सुरेश को देना था उस पे 2% का डिस्काउंट मिला है, और फिर आपने वो 2% डिडक्ट करके 39,200 रुपीस दिए हैं. कॉन्सेंट्रेट कर लो, ये भाई हीरो है हमारे क्वेश्चन का. ठीक है, कह रहे हैं इन्होंने सुरेश को पैसे दिए, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे भाई सुरेश को, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ट्रांजैक्शन. कह रहे हैं सुरेश को 39,200 दिए, ठीक है, फुल सेटलमेंट में दिए, हमें नहीं पता है कितनी अमाउंट देनी थी उसे. कह रहे हैं 2% डिडक्ट करके इतनी अमाउंट दी है. इसका मतलब आपको इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो अमाउंट गिवन है ना 39,200 की, ये 100% में से 2% कम है, मतलब कि ये हमारी फिगर 98% की है. इस चीज को सॉल्व करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा ये 39,200 डिवाइडेड बाय 98%, ये पूरी 100% की अमाउंट 40,000 होनी चाहिए थी. मतलब यू गॉट टू नो कि सुरेश को 40,000 रुपए मिलने थे. ठीक है, मिले कितने, 39,200 मिले, तो अब डिस्काउंट आ जाएगा आपका 800 रुपए का. समझ में आई बात, ये ऐसे ढूंढा जाएगा कि 39,200 98% है. ठीक, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आते हैं, ट्रांजैक्शन नंबर सिक्स. पेड बाय चेक 25,000 टू मेहर इन सेटलमेंट ऑफ हर ड्यूज ऑफ 26,000. 26,000 रुपए मेहर को देने थे, 25,000 दिए हैं, तो रिकॉर्डिंग किससे करूं मैं? पहली बात तो हमने उसे पैसे कैसे दिए हैं, पैसे चेक के थ्रू दिए हैं, तो बैंक के थ्रू गए. कितने गए बच्चे, 25,000 गए, और देने कितने थे रिसीवर, मेहर को रिसीवर कितने से होना था, 26,000 से होना था, तो 1,000 बचा हुआ क्या हुआ, ये हुआ हमारा टू डिस्काउंट रिसीव. देने थे 26, दिए 25, दैट मीन्स 1,000 इज आर डिस्काउंट रिसीव. ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आए, सेवेंथ. पेड 25,000 टू योगेश बाय चेक ऑन अकाउंट. अच्छा, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है, योगेश ऊपर आया है क्या कहीं ट्रांजैक्शन में? नहीं आया. कह रहे हैं 25,000 रुपए योगेश को दिए हैं, चेक के थ्रू दिए हैं उसके अकाउंट पे, उसको कोई अकाउंट खुला होगा, कोई बैलेंस होगा रिमेनिंग, उसके लिए हमने उसे दिए हैं. फुल सेटलमेंट नहीं लिखा है, तो नो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, नो TD और CD. ठीक है, 25,000 योगेश, तो इसका ट्रांजैक्शन यहीं पे कर दूं, 7 योगेश को पे करें, योगेश इज द रिसीवर, सो योगेश हो गए डेबिट 25,000 से. टू चेक, चेक से पे करें है ना, तो टू बैंक के थ्रू पेमेंट हो गई हमारी 25,000 की. ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे है, ट्रांजैक्शन नंबर 8 पे, नेक्स्ट पेज पे करते हैं. ट्रांजैक्शन नंबर 8 क्या कह रहे हैं, परचेज गुड्स कॉस्टिंग 1,00,000, 1,00,000 के गुड्स खरीदे हैं. कैसे खरीदे बेटा, चेक के थ्रू खरीदे, और हमें डिस्काउंट भी मिला है 3% का.
ठीक है जी, परचेज करे गुड्स वो भी चेक के थ्रू, सो परचेज हो गया डेबिट एंड चेक के थ्रू करा तो बैंक हो गया क्रेडिट, और डिस्काउंट भी है तो डिस्काउंट तो भाई होता है कैश एंड बैंक का, तो डिस्काउंट आ गया बैंक के साथ डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक, जब भी यू विल मेक द पेमेंट देन यू विल रिसीव द डिस्काउंट, ऑपोजिट होता है। अब देखना गुड्स कितने के खरीदे हैं आपने, गुड्स खरीदे हैं आपने बच्चे 1 लाख रुपए के एंड डिस्काउंट है 3% का। 1 लाख के गुड्स खरीदे, 3% का डिस्काउंट है, मतलब 1 लाख की तो परचेजेस हो गई। अब 1 लाख पे ये देखो ये 3%, 1 लाख पे आपको यहाँ डिस्काउंट रिसीव में 3% लिखना है। अब 1 लाख का 3% कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है, 1 लाख का 1% निकाल लो पहले, तो आपका 2 जीरो कट जाते हैं, ठीक है, 1,000 रुपये आए, 1,000 रुपये का इंटू 3 कर लो, ठीक, तो 3,000 रुपीज आ गए। अभी ये मैं यहाँ पे समझा रही हूँ, लेकिन जब आगे 5 लाख 10 लाख आएंगे ना, तब बच्चे कॉम्प्लिकेशन फेस करते हैं, इसलिए अभी से ही ये समझते चलो, वरना यहाँ तो बहुत इजी है कि यू नो 1 लाख का आ जाएगा, लेकिन यही फिगर 5 लाख हो जाएगी तो डिफिकल्टी आएगी। आगे का ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 9, परचेज गुड्स कॉस्टिंग 60,000 फ्रॉम आकाश एंड कंपनी। आकाश एंड कंपनी से 60,000 के गुड्स परचेज करे हैं, 50% इमिडिएटली पे कर दिया, अवेलिंग 3% डिस्काउंट। जो चीज इमिडिएटली पे करी है उस पे ही डिस्काउंट मिलेगा आपको, बाकी पे नहीं मिलेगा कैश डिस्काउंट। हीरो ऑफ द क्वेश्चन, दिस इज फॉर मी दिस इज द हीरो ऑफ द क्वेश्चन। ऊपर वाला भी एक ट्रांजैक्शन, पहले तो गुड्स परचेज करे आकाश एंड कंपनी से एंड थोड़ा सा हमने कैश में पे करा है, तो बेटा गुड्स परचेज हुए हैं, 9th वाला ट्रांजैक्शन है, गुड्स परचेज हुए तो परचेज को करो डेबिट। ठीक है, कुछ पेमेंट हमने करा है ना और कुछ पेमेंट नहीं करा है, तो जो पेमेंट नहीं करा है उसके लिए तो आकाश को क्रेडिट करना होगा बिकॉज ही इज द गिवर ऑफ द गुड्स। बाकी के लिए क्या करूं मैं, बाकी के लिए हमने गुड्स खरीदते टाइम पे करा है, बस बोला है ना कैश बोला है ना बैंक, तो मैं कैश मानूंगी, कैश के थ्रू पे करा है। अब देखते हैं भाई अमाउंट क्या आएगी इसमें, यहीं पे ही कैलकुलेशन कर देती हूँ इसकी। 60,000 के गुड्स हैं, 50% इमिडिएटली पे करा है, ठीक है, 60,000 के गुड्स, इसका 50% निकालो, 30,000, 30,000, 30,000 जो इमिडिएटली पे करा है वो ये है, बाकी 30,000 जो बाद में पे करेंगे वो तो आकाश में लिख दो बिकॉज आकाश ने हमें ये गुड्स दिए हैं। जो 30,000 अभी पे कर रहे हैं ना बच्चे, उस पर डिस्काउंट लगाओगे, कितना डिस्काउंट है इनके केस में, डिस्काउंट है मैम इनके पास 3% का, ये देखो 3% का डिस्काउंट है, सो इस पे माइनस कैश डिस्काउंट एट द रेट 3%, 30,000 का 3% 900, 29,100 रुपीज, 29,100 कैश में पे करे एंड डिस्काउंट का आ गया 900, तो जब कैश गया तब डिस्काउंट रिसीव करा। ठीक, परचेजेस में कितनी अमाउंट आएगी सबको प्लस कर लो, 60,000 की अमाउंट, 60,000 की परचेजेस हुई। ये बहुत अच्छा ट्रांजैक्शन है, फिर से समझो, इन्होंने बोला हमने 60,000 के गुड्स परचेज करे, आपके दिमाग में आएगा अच्छा आकाश से परचेज करे, परचेजेस टू आकाश 60,000, 60,000, लेकिन फिर इन्होंने कहा वो 60,000 में से ना हमने आधी अमाउंट अभी पे कर दी बिकॉज हमें उस पर 3% का कैश डिस्काउंट मिल रहा था, तो आप कहोगे जो आधी पे कर दी उसका तो डिस्काउंट का ट्रीटमेंट करेंगे, जो नहीं करी आधी पे वो आकाश में ही क्रेडिट हो जाएगी बिकॉज ये हमारा गिवर है, क्रेडिट दी गिवर, तो जो आधी पे करी है बेटा 30,000 में से उसमें से प्लीज डिस्काउंट माइनस करिए 900 का, तो अमाउंट आएगी 29,100 की। ठीक है, 29,100 हमारा कैश गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट हो गया। ठीक, और डिस्काउंट रिसीव करा हमने 900 रुपए का कि हमने कम पे करी 900 की अमाउंट, तो वो हमारा गेन हो गया एंड क्रेडिट हो गया। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, एक सेकेंड, नेक्स्ट है हमारा 10th वाला पॉइंट, सोल्ड गुड्स ऑफ 30,000 अगेंस्ट चेक अलाउइंग 2% डिस्काउंट। ठीक है, गुड सेल करे हैं चेक के अगेंस्ट, दैट मींस वी हैव रिसीव्ड समथिंग इन आवर बैंक अकाउंट, तो बैंक डेबिट होगा, बैंक का भाई डिस्काउंट होता है तो डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट होगा उसके साथ, एंड सेल्स को करना क्रेडिट। लिखते हैं एंट्री, बैंक हुआ जी डेबिट, बैंक के साथ बैंक का भाई डिस्काउंट अलाउड हुआ जी डेबिट,
एंड क्रेडिट कौन हो गया? क्रेडिट तो इंसान को करोगे, नहीं सेल्स हुई है मैम तो सेल्स को कर दीजिए क्रेडिट। अब अमाउंट क्या फिल करनी होगी यहाँ पे? देखो हमारे 30,000 के गुड्स हैं, 2% डिस्काउंट पे मिले हैं, तो सेल तो 30,000 की है, लेकिन 2% डिस्काउंट कितना हुआ? 600 रुपए का डिस्काउंट मिला। मतलब बैंक के खाते में कितने पैसे मिले? 30,000 के गुड्स बेचे, उसमें 600 का डिस्काउंट अलाउ कर दिया, तो फिर हमें बैंक के खाते में मिले मैम 29,400 रुपीज। वेरी नाइस, बैंक इज डेबिटेड बिकॉज डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डिस्काउंट अलाउड इज डेबिटेड बिकॉज डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस, गलत बोल दिया, एक सेकेंड, बैंक डेबिट बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन, डिस्काउंट अलाउड डेबिट बिकॉज डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सेल्स क्रेडिट बिकॉज क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री पे आए, 11th पॉइंट, सोल्ड गुड्स ऑफ 60,000 टू विमल, रिसीव्ड 20% ऑफ ड्यू अमाउंट, अलाउड 2% डिस्काउंट। अच्छा जी, ये बिल्कुल वैसा ट्रांजैक्शन की तरह है जो मैंने यहाँ पे आपको कराया था ऊपर, एक करा देती हूँ मैं ये भी। गुड सेल करे हैं विमल को और विमल ने आधे पैसे अभी दे दिए हैं हमें डिस्काउंट के कारण, कि ट्रेड डिस्काउंट, वो कैश डिस्काउंट मिल जाएगा उसे। ठीक है जी, एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, पहले सेल्स हुई है, टू सेल्स कर दो, विमल को सेल्स हुई है ना, तो विमल को करो बेटा डेबिट, एंड साथ ही में आप किसे डेबिट करोगे? आपको तो अमाउंट भी मिली है, कैश इन बैंक मेंशन नहीं है, कैश कर लो, और इसमें तो डिस्काउंट भी था, तो कैश का भाई डिस्काउंट अलाउड हो गया। अब देखो आप कितनी इजीली एंट्री बना लेते हो, सेल हुई क्रेडिट करो, किसे सेल करी थी? विमल को डेबिट कर दो, और बाकी की अमाउंट उसने कैश में दी थी, तो कैश को डेबिट करो, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश का भाई डिस्काउंट है, डिस्काउंट दिया भी था, तो डिस्काउंट अलाउड को आप कर दो डेबिट। अब अमाउंट देखो कितनी फिल करनी है बेटा, कितने के गुड्स बेचे हैं आपने? गुड्स बेचे हैं आपने 60,000 के, 60,000 के गुड्स बेचे, 60,000 यहाँ लिख दो, इसकी आधी अमाउंट आप विमल में लिख लो, क्योंकि आधी अमाउंट उन्होंने नहीं दी, आधी अमाउंट उन्होंने अभी दे दी, देखो आधी अमाउंट नहीं दी और आधी अमाउंट अभी दे दी, क्योंकि उस पर 2% का डिस्काउंट मिल रहा था। तो यहाँ पे आपको 30,000 को लिखना है, लेकिन इस तरीके से कि आप बाइफरकेट कर पाओ कितना डिस्काउंट है कितना नहीं। मैं इन शॉर्ट बताऊँ ना, तो इसका एक नोट बनता, 50% अमाउंट, 50% अमाउंट, 50% तो 30,000 हो गया जो विमल में लिखा, क्योंकि वो क्रेडिट पोर्शन था। ठीक, और 50% आपका क्या हो गया? ये आपका वो वाला हो गया जो कैश पोर्शन था, और इसमें से भी माइनस कर दोगे आप डिस्काउंट को, तो कितना डिस्काउंट आएगा? कितने परसेंटेज का डिस्काउंट देना है यहाँ पे? 2% का डिस्काउंट देना है, तो यहाँ हमें डिस्काउंट मिला है बच्चे 2% का। अब 30,000 का 2% डिस्काउंट मिला, मतलब 600 का डिस्काउंट मिला, तो 29,400 की पेमेंट हुई होगी कैश में, 29,400 मिले हमें एंड 600 का डिस्काउंट अलाउ करा। एक बार फिर देखो ये ट्रांजैक्शन, इसमें लिखा है सेल करे गुड 60,000 के विमल को, तो मैम हमारी एंट्री होनी चाहिए विमल टू सेल्स। अरे रुक जाओ, देखो तो सही क्या लिखा है, कह रहे हैं उसने 50% अभी कर दिया, तो मैम कोई बात नहीं, 50% के लिए विमल में लिखना आप 30,000, 30,000 लिखे आपने, ठीक है, बाकी 50% के लिए कैश में लिख देना, लेकिन नहीं इन्होंने बोला डिस्काउंट भी है, तो मैम कोई बात नहीं, कैश के साथ डिस्काउंट भी लिख देना। अब अमाउंट कैसे ढूंढोगे? 30,000 में से माइनस करिए 2%, 600 रुपए आए, 600 रुपए लिखने हैं आपको डिस्काउंट में, बाकी रिमेनिंग बैलेंस लिखना है आपको, उतनी कैश आपको रिसीव हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आए, ट्रांजेक्शन नंबर 12 पे आते हैं, मित्तल ब्रोस परचेज्ड 100 शॉल्स एट द रेट 300 पर शॉल। ठीक है जी, इन्होंने 100 शॉल्स खरीदी हैं, 3,000 रुपए की एक शॉल है, 3,000 की है ना, हाँ जी 3,000 रुपए की एक शॉल है, तो पूरी हो गई हमारी 3,00,000 रुपए की शॉल्स। अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट इफ पेमेंट इज मेड विद इन 14 डेज। कह रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट तो 10% देना है, वो तो आप पूरे पे दोगे ही दोगे, फिर कह रहे हैं बाद में आपको 3% का कैश डिस्काउंट भी देना है अगर पेमेंट 14 दिन के अंदर अंदर हो गई तो। मित्तल ब्रोस रिसीव्ड 10 शॉल्स ऑफ पुअर क्वालिटी, वो उन्होंने रिटर्न कर दी, मित्तल ब्रोस सेटल्ड द पेमेंट इन 10 डेज। अब ये एक ही ट्रांजैक्शन में भाई पूरी अलग अलग ट्रांजैक्शन है इनकी, अब तुम देखो इसे डील कैसे करना है। पहले दिन पे आप ट्रांजैक्शन कैसे करोगे? पहले दिन पे आप इन्हें जब सेल करोगे तब आप पूरा ट्रेड डिस्काउंट लगा के दिखाओगे पूरी अमाउंट पे, इररिस्पेक्टिव कि कैश में है या क्रेडिट में है। फिर बेटा आपको कैश डिस्काउंट उतने पे ही देना है जितना इन्होंने कैश में पेमेंट करी है आफ्टर योर सेल्स रिटर्न, सेल हुई है ना तो सेल रिटर्न भी हुआ है, ठीक उसके हिसाब से। अच्छा यहाँ ना कंफ्यूज मत हो जाना कि परचेज्ड लिखा है, आप कहोगे मैम परचेज हुआ है, भाई हम भूषण एजेंसीज हैं, मित्तल ब्रोस ने परचेज करा है, ठीक है,
तो हमारे लिए तो सेल ही हुआ। फ्रेश पेज पे कराऊं ये आपको, 11th वाला ट्रांजैक्शन नहीं, कौन सा हुआ, 12th वाला ट्रांजैक्शन। देखो फिर से पढ़ना जरा। मित्तल ब्रोज ने परचेज करी 100 शॉल और एक शॉल थी 3000 रुपए की और ट्रेड डिस्काउंट था 10%। ये आज की तारीख में घटना घटी है तो भैया रिकॉर्ड कर लेते हैं इसे आज की तारीख में ही। मित्तल ब्रोज ने परचेज करी है कितनी, 100 शॉल्स परचेज करी है, सेल हुई है हमारी। मित्तल ब्रोज डेबिट टू सेल्स, कितने की सेल हुई बच्चे, 3000 की एक शॉल है, 100 शॉल्स खरीदी, 3 लाख की हुई। इस पे आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे ना कितना परसेंट, 10%। ट्रेड डिस्काउंट 30,000 हो गया तो 2,70,000 की हमारी रिकॉर्ड होगी पूरी सेल्स, 2.7 लाख, 2.7 लाख। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है, पहले तो हमारा ये ट्रांजैक्शन हुआ, हमने सेल ट्रेड डिस्काउंट से माइनस करके रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद बच्चे क्या हुआ, कह रहे हैं 3% कैश डिस्काउंट मिलेगा अगर 14 दिन के अंदर पेमेंट कर दे, तो हमें नहीं पता इस डेट पे करी है या नहीं करी। आगे कह रहे हैं मित्तल ब्रोज ने 10 शॉल तो भैया रिटर्न कर दिया, 10 शॉल रिटर्न कर दिया तो उसकी एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री ये हुई सेल रिटर्न हुआ, सेल्स रिटर्न डेबिट टू मित्तल ब्रोस, मित्तल ब्रोस गिवर है। कितने अब कितनी शॉल रिटर्न करी है उन्होंने, 10 शॉल रिटर्न करी है, 10 शॉल कितने रुपए की थी, एक शॉल थी 3000 की बच्चे, तो 10 शॉल कितने की हो गई, 30,000 की। क्या मैं 30,000 लिख दूं? नहीं, आप क्या ट्रेड डिस्काउंट कैंसिल नहीं करोगे, आप ट्रेड डिस्काउंट जितना लगाया था उतना ही कैंसिल करना, 10% पे 3000, 27,000 की शॉल रिटर्न हो गई, 27K, 27K। ये दो एंट्रीज आपको क्लियर हुई, पहली एंट्री हमारी हुई मित्तल ब्रोस को सेल करने की ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके, दूसरी एंट्री हमारी हुई सेल्स रिटर्न की जो उन्होंने 10 शॉल रिटर्न कर दी। अब हमें करनी है पेमेंट की एंट्री। पेमेंट की एंट्री के लिए देखते हैं फिर से एक बार क्वेश्चन, 3% का कैश डिस्काउंट मिलेगा और इन्होंने अपना अकाउंट सेटल कर दिया 10 डेज के अंदर। अकाउंट सेटल करने का मतलब क्या होता है बेटा, देखना, 2.7 लाख का गुड्स बेचा, इतने का बेचा, रिटर्न कर दिया इन्होंने इसमें से 27,000 के गुड्स, तो बचे कितने के, 2,70,000 माइनस 27,000, बचे 2,43,000 के गुड्स। ठीक है, 2,43,000 देने थे मित्तल ब्रोस को हमें, ठीक, हम उनसे पैसे लेंगे तो पैसे लेंगे तो कैश होगा डेबिट, कहीं बैंक का तो जिक्र नहीं कर रहा है कि कैसे पेमेंट करिए कैसे नहीं, नहीं तो कैश को ही करूंगी मैं डेबिट, कैश को करा डेबिट, कैश का ही छोटा भाई है डिस्काउंट अलाउड, उसे भी कर दिया डेबिट। टू मित्तल ब्रोस, कितने लेने हैं भाई मित्तल ब्रोस से, 243,000 गिवर है ये, तो मैंने इन्हें क्रेडिट कर दिया, कट तो नहीं हो रहा, कट हो रहा है ना, रुको एक सेकेंड, मित्तल ब्रोस 243,000। ठीक है, अब कितनी अमाउंट लेंगे वो देखते हैं, 243,000 में कैश डिस्काउंट माइनस करो 3% का, 7,290 ये आ गया डिस्काउंट में, 7,290, तो बाकी बचा हुआ कितना कैश रिसीव हुआ इनसे, कैश रिसीव्ड माइनस 243,000, 235,710, 235,710। ठीक है, ये हो गई हमारी ट्रांजैक्शन पूरी। थर्ड ट्रांजैक्शन फिर से समझा रही हूँ आपको मैं यहाँ पे, बच्चे मित्तल ब्रोस को बेचे 2.7 लाख के गुड्स जिसमें से रिटर्न कर दिए उन्होंने 27,000 के गुड्स, मतलब अब हमें उनसे पैसे लेने हैं 2,43,000। ये 2,43,000 लेने के लिए उन्होंने 10 दिन के अंदर पेमेंट करी तो उन्हें डिस्काउंट अलाउ करना है, कैश डेबिट होगा डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा। मित्तल ब्रोस को जितनी अमाउंट देनी है उतनी पूरी अमाउंट लिखी जाएगी 2,43,000 की। अब कैश कितना मिला वो कैसे ढूंढू, सो ये 2,43,000 में से कैश डिस्काउंट 3% माइनस कर लो, वो आ जाएगा आपका डिस्काउंट के कॉलम में, रिमेनिंग बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी आपके कैश के कॉलम में जो होगी आपने कैश जो रिसीव करी है। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन बहुत अच्छा है, अगर आपको क्लियर हुआ वेल एंड गुड, अगर नहीं क्लियर हुआ तो प्लीज आप थोड़ा सा वीडियो को फिर से रिवाइंड करो और एक बार फिर से ये ट्रांजैक्शन देखो। ठीक है, अब आई गेस नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लास्ट है हमारी, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, कोई बात नहीं,
सोल्ड टू गुप्ता शॉल्स, ठीक है, सेल करा है गुप्ता शॉल्स को, 100 शॉल्स सेल करी है 200 रुपए की 4 जनवरी 2023 में। ट्रेड डिस्काउंट 25% का दिया, कैश डिस्काउंट 5% देंगे अगर पूरी की पूरी पेमेंट 14 डेज के अंदर हो गई तो। गुप्ता शॉल ने 50% पेमेंट सेंड कर दी है 14 जनवरी को। बेटा 4 जनवरी को सेल करा, 14 को इन्होंने भेज दी, मतलब 10 दिन के अंदर भेज दी, हमने इन्हें डेज अलाउ करे थे 14 डेज, ठीक है, तो मतलब हम इन्हें पूरा कैश डिस्काउंट देंगे। कौन सी तारीख पे? 14 तारीख पे कैश डिस्काउंट देंगे। जब 4 तारीख पे एंट्री करोगे ना, तब तो जैसे अभी एंट्री करी थी ना ये वाली ट्रांजैक्शन में, मित्तल ब्रोस टू सेल्स, वैसी एंट्री बनेगी। फिर जब आपने, उन्होंने रिटर्न भी करे हैं गुड जाएगा इसमें। देखो गुप्ता ने सेंड कर दी 50% ऑफ द पेमेंट, नहीं रिटर्न नहीं करे हैं इन लोगों ने। हाँ, इन्होंने रिटर्न नहीं करे, इन्होंने 50% ऑफ द पेमेंट भेज दी आपको 14 जनवरी में। तो आप तो एक ऐसी एंट्री करोगे 14 जनवरी को, फिर आप ऐसी एंट्री करोगे, और वो भी सिर्फ 50% ऑफ द अमाउंट से एंट्री करोगे आप। 50% उन्होंने अभी भी नहीं दिया है, वो देंगे 10 फरवरी को, तो उस पे आपका कैश डिस्काउंट नहीं लगेगा। अब ये मैं चाहती तो यही हूँ कि आप लोग खुद करो, लेकिन मेरे को लग रहा है कि दिक्कत आएगी, तो मैं करा देती हूँ। गुप्ता शॉल को सेल करा है तो टू सेल्स है मैम, गुप्ता शॉल्स कितना सेल करा है मैम ये भी बता दीजिए। 200 रुपए की एक शॉल 100 शॉल सेल करी, सौ शॉल सेल करी है, सौ शॉल्स हैं, 200 की एक शॉल है, और ट्रेड डिस्काउंट 25% दिया है। बहुत ट्रेड डिस्काउंट दे दिया भाई, इसमें से माइनस कर दो ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 25%। 25% आपका पूरा हो जाता है बच्चे 1/4, ठीक है, तो डिस्काउंट दे दिया 5,000 का, कितने पे रिकॉर्ड होगा? 15,000 पे रिकॉर्ड हो जाएगी एंट्री। ये हमारी जनवरी 4 को एंट्री हो रही है, 15,000 से रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, एक एंट्री तो रिकॉर्ड हो गई, अब जान 14 को हमें कुछ मिल गई, 50% पेमेंट मिल गई है, तो कैश को करो डेबिट, डिस्काउंट भी देंगे भाई। इन्होंने 14 दिन से पहले पहले पेमेंट कर दी, किसने पेमेंट करी है? गुप्ता सेल शॉल्स ने। गुप्ता शॉल्स ने कितने रुपए देने थे? 15,000, 15,000 के आधे दिए, मतलब 7,500। अब ये 7,500 भी जब देंगे ये, तो 7,500 में बच्चे हमारा कैश डिस्काउंट माइनस होगा। कैश डिस्काउंट का परसेंटेज देखो कितना है, कैश डिस्काउंट है मैम 5% का कैश डिस्काउंट है, तो यहाँ पे 5% माइनस हो जाएगा हमारा 375 रुपीज, और ये 375 कैश में भी लिख दो, बैलेंसिंग फिगर इधर आएगा। 7500 लेने थे, माइनस करा 375, बचा 7125, तो रिसीव कितने हुए? 7125 रुपीज हमें रिसीव हो गए हैं, ठीक है। क्या करा हमने? पहले गुप्ता शॉल्स टू सेल्स हुई 15,000, 15,000, फिर हमारा हम ट्रेड डिस्काउंट लगा दिया था, फिर उन्होंने वादा पूरा करते हुए 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दी। 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दी, तो हमने भी वादा करा था डिस्काउंट अलाउ करेंगे, तो हमने भी डिस्काउंट अलाउ कर दिया उन्हें, ठीक है। ये जो पूरा ट्रांजेक्शन हुआ है ना बच्चे, ये पूरा जो ट्रांजेक्शन हुआ है ना, ये आपका सिर्फ 50% ऑफ द गुड्स के लिए हुआ है, बाकी 50% पेमेंट उन्होंने फरवरी में जाके करी है। वो फरवरी की एंट्री बताओ क्या हो गया, वो फरवरी की एंट्री बताओ मैं आपको, कौन सी डेट थी फरवरी को? फरवरी 10th फरवरी। अब जब 10th फरवरी आई होगी ना, तब तो वो हमारा जो हमें कैश डिस्काउंट देना था उसका वादा तो नहीं रहा। अब तो भाई सिर्फ हम कैश लेंगे और क्रेडिट कर देंगे जिससे मिली है कैश, गिवर है कैश गुप्ता शॉल्स। कितनी कैश लोगे बताना जरा? 15,000 रुपये, बाकी 15,000, 50% तो दे चुके थे ये लोग, कैश डिस्काउंट भी ले लिया उस पर, अब 50% और लेना बाकी है 15,000 का। 7,500, 7,500, एंड यू आर गुड टू गो। इतने बड़े क्वेश्चन का भोग लगा, ट्रेड डिस्काउंट इजी था, कैश डिस्काउंट हल्का सा डिफिकल्ट था, बट हमने करा अच्छे से। अगर आपको तब भी नहीं समझ आया तो आप प्लीज़ प्लीज़ मेरे से कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, मैं आपको फिर से समझाने को रेडी हूँ, ठीक है। हिंट में भी इन्होंने लिखा है भाई गुप्ता शॉल को डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने विद इन 14 डेज नहीं दिया है इस वाले केस में, 10th फरवरी वाले केस में, ठीक है।
तो हमारा क्वेश्चन हो गया ये पूरा, एंड हमारी क्लास भी हो चुकी है अराउंड 40 मिनट्स की। सो चलो यहीं पे ही भोग डालते हैं, दिस इज इट फॉर टुडे। ठीक है, चलो, ओके, टेक केयर, बाय बाय।